इस अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं काफी क्षतिग्रस्त हुई और इन अर्थव्यवस्थाओं में जो भुगतान संतुलन था वो अधिकतर विपरीत हो गया था। तो इन भुगतान संतुलन जो विपरीत हो गया था, इस प्रकार भुगतान संतुलन के कारण जो अर्थव्यवस्था विपरीत हुई थी, इसको मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्था को लाया गया। तो आपके पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। आपने पहला संस्था देखा होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट से संबंधित सारे फंडिंग करती है। यदि किसी देश में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उसे वर्ल्ड बैंक फंड करती है। लेकिन जब इंटरनेशनल मॉनेटरी कोई क्राइसिस आपकी इकोनॉमी में होती है, इंटरनेशनल लेवल पर आपको मनी नहीं उपलब्ध होती है, तो वहां पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस प्रकार मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करके आईएमएफ वर्ल्ड लेवल पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा तो उसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि मान लीजिए दो कंट्री हैं, सपोज दैट ए कंट्री है और आपकी बी कंट्री है। बी कंट्री को मैंने यूएसए मान लिया है, अमेरिका मान लिया है, और ए कंट्री को मैंने इंडिया मान लिया। मान लीजिए इंडिया कोई चीज को इंपोर्ट करता है, अमेरिका से आयात करता है, तो आयात के बदले में अमेरिका क्या करता है, वो डॉलर में भुगतान करने की बात करता है कि मुझे आप जो भुगतान करिए वो डॉलर में भुगतान करिए। अब भारत के पास डॉलर तो है नहीं, तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की समस्या को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई, ताकि विश्व व्यापार तेजी से संचालित हो सके। और इस विश्व व्यापार जब तेजी से होगा तो अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित करना प्रारंभ करेगी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की उपलब्धता समय पर कर दी जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा तेजी से बढ़ेगा, और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा तेजी से बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकास करने लगेंगी। तो इस प्रकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल करेंसी की उपलब्धता को बढ़ाती है। जैसे भारत क्या कहता है, वो कह चाहता है कि मुझे डॉलर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ताकि क्योंकि मेरे अमेरिका से इंपोर्ट अधिक है, मैं उसको पेमेंट कर सकूं, ठीक है। उसी प्रकार अगर यूरोप से मुझे व्यापार करना है तो मुझे यूरो चाहिए, और यूरो कौन उपलब्ध कराएगा, या तो मेरे एक्सपोर्ट उतने अधिक हो ताकि मैं व्यापार विदेश विश्व में अपने वस्तुओं को बेचूं और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कलेक्ट करूं, या दूसरा तरीका है कि कोई ऐसी संस्था हो जहां पर हम अपनी मनी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की उपलब्धता कराने वाली एक बड़ी एजेंसी बनी, जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की समस्या, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या भी कहते हैं, इस समस्या को सॉल्व कर सके। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि तरलता की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे विकास के मुद्दे हैं वो तेजी से काम करने लगेंगे। इसलिए आईएमएफ की स्थापना इसलिए किया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की उपलब्धता को कर सके, तो इसलिए इसे बनाया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद संसार के विभिन्न देशों ने मिलकर किया था। मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी काफी अधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी। कोई भी पार्टी, दोनों पक्षों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको उबारने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी, ताकि विश्व के संतुलित विकास को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, बैलेंस ग्रोथ मॉडल को हम लोग अपना सकें, और कोई भी कंट्री ऐसा ना रहे कि सभी कंट्री बैलेंस ग्रोथ को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा हमने विश्व की कल्पना की थी। एवं विभिन्न मुद्राओं की बहुपरिवर्तनीयता,
मल्टी कन्वर्टेबिलिटी। मल्टी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी संस्था हो जहां पर हम अपनी देश की मुद्रा रुपीज को दें और बदले में हमको डॉलर प्रोवाइड करें, बदले में हमको पौंड प्रोवाइड करें, बदले में हमको येन प्रोवाइड करें, जो भी मुद्रा हमको रिक्वायर्ड है वो मुद्रा हमको प्रोवाइड करे, ऐसी कोई संस्था की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार मुद्राओं की बहुपरिवर्तनीयता मल्टी कन्वर्टेबिलिटी को संभव बनाते हुए विश्व में आर्थिक स्थिरता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्थापित करने के उद्देश्य से आईएमएफ की स्थापना की गई। तो पहला पॉइंट, संतुलित विकास के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपका आईएमएफ की स्थापना की गई, ताकि आईएमएफ के द्वारा मल्टी कन्वर्टेबिलिटी यानी मुद्रा का परिवर्तनशीलता के द्वारा हम विश्व व्यापार को या विश्व में जो चीजें हमको आवश्यक हैं उनको हम ट्रेड कर सके। ठीक है, इस कोष की स्थापना के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौते के आधार पर की गई थी और जिसमें आईएमएफ ने 1947 से अपना कार्य प्रारंभ किया। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की स्थापना कब की गई, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अनुसार किया गया था। ठीक है, और कब से इस संस्था ने काम किया, देखिए ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत 44 देशों ने 1944 में एक एग्रीमेंट किया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड मीटिंग जो थी 1944 में 44 कंट्रियों ने मिलकर किया था जिसमें भारत भी एक देश था। ठीक है, लेकिन आईएमएफ की स्थापना आपकी यहां पर हो गई, लेकिन आईएमएफ ने कार्य करना कब से चालू किया, 1947 से। तो ये एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट डेट आपकी हो जाती है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ, 1944 में। आईएमएफ कब बना, 1945 में। आईएमएफ ने काम कब से किया, 1947 से। तो ये तीनों देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, इन डेट्स को आपको प्रॉपर यूज करना, कौन सा प्रश्न क्या कह रहा इस बात को आपको वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला आपका 44 ब्रिटेन वुड्स समझौता, 45 आईएमएफ की स्थापना, एग्जाम में ये पूछा जाता आईएमएफ की स्थापना, और 47 से आईएमएफ ने काम करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, अब इसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये पॉइंट्स को देखिएगा, नोट करिएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, जुलाई 1944 में। किस समझौते के अंतर्गत, ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, न्यू हैम्पशायर में, यूनाइटेड स्टेट में। इसके वर्तमान में, इसमें वर्तमान में कितने सदस्य थे, जब स्थापना किया गया था उस समय 44 मेंबर्स थे, आज ये स्थापना करने वाले मेंबर थे, वर्तमान में 189 मेंबर्स इसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इस समय प्रेसिडेंट है, और आईएमएफ की जो इस समय मुद्रा है ये 1971 में इस मुद्रा को एक्सेप्ट किया गया था, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, और इसे कभी कभी कागजी सोना भी कहते हैं। ठीक है, गोल्ड पेपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गोल्ड पेपर के नाम से जाना जाता है। ये कोई गोल्ड पेपर नहीं होता जिसमें गोल्ड का हो, बल्कि एक प्रकार की विशेष मुद्रा होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को सॉल्व करने के लिए एसडीआर को निर्मित किया गया था 1969 में, इस पर अध्यादेश लाया गया, 71 से इसने काम करना चालू किया। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर्तमान में आईएमएफ की मुद्रा है। अगर आपका कंट्री, मान लीजिए भारत है, भारत यहां पर अपने देश का गोल्ड या रुपीज लेके जाता है, तो इनके द्वारा एसडीआर जारी किया जाता है, और यह एक प्रकार का विनिमय पत्र है। गोल्ड पेपर तो कहते हैं, बट ये गोल्ड का नहीं है। ठीक है, एक प्रकार का विनिमय पत्र है, और इसको आपके भुगतान की करेंसी भी कहा जाता है। एग्जाम में कई क्वेश्चन एसडीआर से बनाए जाते हैं, कई बार घुमा के पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना होगा। अब आपके पास बात आती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसडीआर के बारे में फिर से बता दीजिए जरा। आपने बताया ना कि गोल्ड पेपर होता है, उसके बाद आपने क्या बताया। हाँ, एसडीआर जो आपका होता है, एसडीआर जो होता है आपका गोल्ड पेपर होता है।
ठीक है, गोल्ड पेपर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कभी भी पेपर गोल्ड पेपर नहीं होता है, बल्कि विनिमय का एक प्रपत्र होता, विनिमय प्रपत्र के नाम से जाना जाता है। विनिमय प्रपत्र का तात्पर्य यह होता है कि इस मुद्रा को लेकर के आप किसी कंट्री को दे दोगे तो वो कंट्री भुगतान में इसका प्रयोग कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार का मुद्रा तो होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान को करने के लिए मुद्रा बनाई गई है। आप डोमेस्टिक कंट्री में इस करेंसी को नहीं चला सकते, केवल इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करने के लिए इस करेंसी को बनाया गया था, ठीक है। और इसके विषय में आगे और आपको लेकर बताऊंगा, लेकिन इसको ये मोटा मोटा आप ये समझिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भुगतान करने की एक यूनिवर्सल करेंसी थी जिसको सभी देशों ने स्वीकार किया था, ठीक है। तो अब हम अपना जब गोल्ड लेकर के या रुपीज लेकर के जाते हैं, किसके पास जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं, तो वो हमें एसडीआर जारी करता है और इस एसडीआर को विश्व के सभी देश क्या करते हैं, इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मुद्रा जारी की गई और इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को सॉल्व करना। अंतर्राष्ट्रीय तरलता का मतलब होता कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रत्येक कंट्री अपने देश की मुद्रा में भुगतान को एक्सेप्ट करना चाहती है, मांगती है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व लेवल पर डॉलर की मांग बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री था जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे ज्यादा निर्यात है। तो जब निर्यात है तो परिणाम स्वरूप विश्व के सारे देश, अमेरिका सारे कंट्री को निर्यात करता है, यूएसए किसको निर्यात करता है, आपको इंडिया को निर्यात करता है, सपोज दैट ये पाकिस्तान को निर्यात करता है, तो इस प्रकार सारी कंट्री को निर्यात करता है, श्रीलंका को निर्यात करता है, और इन कंट्रियों से डॉलर के रूप में भुगतान करने के लिए कहता है। अब इन कंट्रियों के पास डॉलर कहां से आएगा, अगर ये इनके पास एक्सपोर्ट अच्छे होंगे तभी तो कर पाएंगे, और वो भी एक्सपोर्ट किसको करे, यूएसए को करे, यूएसए खुद वर्ल्ड में इतना अधिक एक्सपोर्ट करता है, तो परिणाम स्वरूप डॉलर की क्राइसिस हो गई। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष था उसने एसडीआर मुद्रा को जारी किया और इस एसडीआर मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भुगतान की समस्या थी उस भुगतान की समस्या को इसने सॉल्व किया। तो जो एसडीआर मुद्रा थी इसने अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद किया। अब हम बात करते हैं, जब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये उद्देश्य की हम चर्चा अगर करते हैं तो इसके अंतर्गत उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनके वाइड जो कॉन्सेप्ट है, मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना। पहला इनका उद्देश्य है हम मॉनेटरी हेल्प करेंगे। मॉनेटरी हेल्प का मतलब होता अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी व्यापार जो आप करते हो, व्यापार भुगतान के लिए यदि आपको करेंसी की आवश्यकता है और आपके पास करेंसी नहीं है तो आप हमको गोल्ड गिरवी दीजिए, गोल्ड हमारे पास रिजर्व में रखिए और बदले में एसडीआर आप हमसे लेकर के जाइए, और इस प्रकार मौद्रिक सहायता में वृद्धि करता। दूसरी चीज, विश्व के देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी हेल्प को प्रमोट करता है और बहुउद्देशी भुगतान को प्रणाली को स्थापित करता है कि आपके जितने भी टाइप्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट है उन सारे प्रकार के बैलेंस ऑफ पेमेंट को पेमेंट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाता है व्यापार तथा रोजगार में वृद्धि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुदृढ़ स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए। याद रखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ी समस्या होती है भुगतान की समस्या, और भुगतान की समस्या इसलिए होती है किसी के पास इंटरनेशनल करेंसी नहीं होती है या किसी देश का इतना अधिक एक्सपोर्ट नहीं होता कि विदेशी मुद्रा उनके देश में बहुत अधिक हो, तो इस प्रकार आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की उपलब्धता कराता है ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दृढ़ स्तर पर प्रोत्साहित कर सके, ताकि समस्त देशों का व्यापार उन्नत होने से उनकी आय में वृद्धि हो सके तथा उनके यहाँ रोजगारी या उच्च स्तर का ठीक स्थापित किया जाए, यानी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एस्टेब्लिश किया जा सके, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और व्यापार के परिणाम स्वरूप रोजगार में जो वृद्धि होती है उसको प्रमोट करने के लिए आईएमएफ आगे आता है।
विनिमय स्थिरता को प्रोत्साहन। विनिमय स्थिरता का मतलब होता कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि रुपीज एंड डॉलर के बीच जो कन्वर्टेबिलिटी रेट है, एक समय था कि एक रुपी के बराबर एक डॉलर था, एक समय था। आज भारत में देखिए कि एक डॉलर बराबर 72 रुपीज के है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए विनिमय दर में काफी ज्यादा परिवर्तन आया है। और ये जब विनिमय दर में परिवर्तन आता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार भी प्रभावित होता है। ये पॉइंट आपको नोट रखिएगा कि जब आपकी विनिमय स्थिरता प्रभावित होगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपका व्यापार प्रभावित होगा। अगर विनिमय दर बढ़ती है तो आपका व्यापार घटेगा। परिणाम स्वरूप विनिमय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए IMF हेल्प करता है और आपको मुद्रा प्रदान करता है। तो कोष का तीसरा उद्देश्य है विश्व में विनिमय स्थिरता को प्रोत्साहित किया जा सके, और इसका उद्देश्य यही है ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को तेजी से हम प्रमोट कर सके। चूंकि विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव विश्व व्यापार के मार्ग में बाधक होते हैं, ठीक है, अतः कोष का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुदृढ़ विकास करने के दृष्टि से विनिमय स्थिरता को स्थापित किया जा सके। तो यदि अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता अधिक होगी तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा, और जब विश्व व्यापार तेजी से बढ़ेगा तो विश्व के देश तेजी से विकसित होते चले जाएंगे। इस प्रकार विनिमय स्थिरता की नीति के संबंध में पूर्णतया कठोरता का पालन नहीं किया जाता। कोष द्वारा सदस्य देशों को इस बात की अनुमति प्राप्त है कि वो निश्चित सीमा तक नीति का पालन करें और अपने मुद्राओं के समता मूल्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है, उस एक्सचेंज रेट पॉलिसी के अंतर्गत हम मैनुअल उस एक्सचेंज रेट पॉलिसी के द्वारा विनिमय दर में परिवर्तन कर सकते हैं ताकि हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार तेजी से प्रोत्साहित हो सके। इस प्रकार विनिमय स्थिरता की दृष्टि से कोष ने कुछ तत्व स्वर्णमान तथा कुछ तत्व परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली से लेकर के उन्हें समझौते की स्थिति अर्थात विनिमय दरों की लोचपूर्ण स्थिरता से संबद्ध कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास विनिमय दर है वो लोचपूर्ण है, ठीक है। लोचपूर्ण पहले कठोर थी और उसको लोचपूर्ण भी रखा गया ताकि आपको व्यापार के अनुरूप विनिमय दरों में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को आप स्वीकार कर सको। अगला पॉइंट है भुगतान संतुलन में हेल्प करना। देखिए प्रत्येक जो डेवलपिंग कंट्री है वो उसके साथ सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि अर्थव्यवस्था में आपके पास ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा हो ताकि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सुधार सको। तो भुगतान संतुलन, जैसे भारत विश्व का एक ऐसा देश है, ठीक है, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर इम्पोर्ट ज्यादा है, आयात ज्यादा है। जब इम्पोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से तो आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि इम्पोर्ट अधिक होने से विदेशी मुद्रा की मांग अधिक है, ठीक है। जब विदेशी मुद्रा की मांग अधिक है उसके पूर्ति की अपेक्षा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, और इस अधिक मांग को पूरा करने के लिए हेल्प कौन करता है, IMF करता है। तो IMF डेवलपिंग कंट्री को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए काफी है, मदद करता है। विकसित देश क्या करते हैं, वो अच्छा एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जब अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे विकसित देश, उनके एक्सपोर्ट का मान ज्यादा होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट का। तो जब एक्सपोर्ट का मान ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि विकसित देश क्या करेंगे, इनके पास विदेशी मुद्रा ज्यादा होती है तो इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए किसी भी संस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन विकासशील देशों के पास समस्या यह होती है कि इनके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, इनके आयात ज्यादा होते हैं, और विश्व के जितने भी कंट्री होते हैं वो भुगतान अपनी मुद्रा में मांगते हैं। परिणाम स्वरूप इन देशों में जैसे भारत देश को डॉलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता हरदम रहती है, और IMF इसमें हेल्प करता है कि ठीक है आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए आप हमसे मुद्रा ले लीजिए और उस मुद्रा के माध्यम से उसका भुगतान किया जाता है। तो सदस्य देश, जैसे भारत सदस्य देश है, आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के साथ अनुकूल मात्रा में शॉर्ट टर्म फंड प्रदान करा जाता है ताकि सदस्य देश की नेशनल तथा इंटरनेशनल प्रोग्रेस में
बाधा पहुंचाए बिना अपने भुगतान कोषों की विपक्षता को दूर कर सके। जो हमारे पास माइनस में बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, भुगतान विषमता को दूर करना। और भुगतान विषमता को दूर करने का मतलब होता है सदस्य देशों की इंटरनेशनल पेमेंट बैलेंस की स्थायी विषमता की अवधि एवं मात्रा कम करने के लिए सदस्य देशों को कोष प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा आईएमएफ आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का चांस देता, बीओपी को सुधारने के लिए आपको मुद्रा प्रदान करता है। लेकिन कभी भी आप ये मत समझ लीजिएगा कि स्थायी रूप में आईएमएफ सदैव आपके बीओपी में हेल्प करेगा। ठीक है, सदस्य देशों की वास्तव में जितनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स है उसको पॉजिटिव लाने में प्रयास करता है, लेकिन वो कभी भी कटिबद्ध नहीं है कि आपको सदैव बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पेमेंट करता रहेगा, ये कोई आवश्यक शर्त उसके साथ नहीं है। तो स्थायी विषमता में अवस्थित में कम मात्रा में सदस्य देशों को कोष प्रदान करता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कोष सदस्य देशों के भुगतान को स्थायी विषमता को दूर करने में सहायता नहीं करता, कि नहीं परमानेंट आपको हरदम क्या हो जाए, विषमता में चले जाइए। ठीक है, आपके पास इनइक्वलिटी आ जाए, आप डिसइक्वलिटी में सदैव रहिए और आईएमएफ से सदैव हेल्प मांगिए, वो इसके लिए कटिबद्ध नहीं। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आईएमएफ तो आएगा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सदैव भुगतान संतुलन करके ही जाए, बैलेंस में करके जाए, ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है। हेल्प तो करता है आईएमएफ, लेकिन बहुत ही मात्रा में आपको हेल्प नहीं कर सकता कि आप पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार दे। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो आपके पास होती है विदेशी विनिमय बाधाओं को पूर्णतया मुद्रा ह्रास को हतोत्साहित करना। आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पर डिवैल्यूएशन की कंडीशन बहुत चलती है, लोग अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। जब मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप देश किसी भी देश का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता है और इंपोर्ट तेजी से घटता है, यानी एक्सपोर्ट का मान बढ़ जाता है और इंपोर्ट का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार डिवैल्यूएशन जो होती है, डिवैल्यूएशन वो एक्सपोर्ट की मात्रा को बढ़ाता है और इंपोर्ट को घटाता है। आईएमएफ इस प्रकार की एक्टिविटी को प्रतिबंधित करके रखता है। ठीक है, मुद्रा कोष का अंतिम उद्देश्य है कि सदस्य देश समस्त प्रकार की विदेशी एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, कंप्लीट डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन के विषय की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता। ये नहीं कि विश्व के सारे देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दें ताकि वो एक्सपोर्ट को अच्छा कर सके, इंपोर्ट को डिक्लाइन कर सके। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा होगी और सारे देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने लगेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार पूरा का पूरा प्रभावित होगा। और विश्व व्यापार प्रभावित ही नहीं होगा बल्कि आपस में विश्व व्यापार समाप्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में कई बार मैंने पूछा गया कि डिवैल्यूएशन से क्या होता है। तो डिवैल्यूएशन से आपको ये थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा, इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। डिवैल्यूएशन जो जिसको डेप्रिसिएशन आप कहते हो, डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन कहते हो, इसके परिणाम स्वरूप एक्सपोर्ट का मान बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट आपके तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन होने से आपकी वस्तु सस्ती हो जाती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जब आपकी वस्तु अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ती हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी वस्तु की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो जाएगी। जब आपकी वस्तु की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप विश्व के सारे लोग आपकी मुद्रा आपकी वस्तु को मांगेंगे और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरने लगेगा। लेकिन इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सारे कंट्री अपने यहां इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको आईएमएफ नजर रखता है, और आईएमएफ इस प्रकार की एक्टिविटी को नहीं परमिशन देता है कि आप डिवैल्यूएशन की बात करिए। ठीक है, 1949 में भारत का डॉलर के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन भारत ने यहां पर डिवैल्यूएशन किया, भारत ने यहां पर डिवैल्यूएशन किया, फिर लगभग भारत ने 4 बार डिवैल्यूएशन किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि नहीं, अब आप डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार डिवैल्यूएशन की एक्टिविटी को रोका गया।
अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, सबसे पहले विनिमय दरें। मुद्रा कोष की स्थापना होने पर सदस्य देशों से उनकी मुद्राओं का मूल्य सोने व अमेरिकी डॉलर में घोषित करने को कहा गया। ठीक है, बात यही आती कि अमेरिकी डॉलर को कोई शामिल किया जाता, विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा शेयर अमेरिकी डॉलर का है, इसलिए अमेरिकी डॉलर या गोल्ड में आपके एक्सचेंज रेट को घोषित करने की बात किया जाता, उसके मूल्य को, क्योंकि हर कंट्री अपने मूल्य को, जैसे भारत है तो भारत में एक डॉलर बराबर 72 रुपए अगर चलता है तो यह एक प्रकार का मूल्य रिप्रेजेंट किया जाता है। स्वर्ण को सामान्य आधार पर स्वीकार किया गया और कोष द्वारा विभिन्न देशों की दरें, समता दरें निर्धारित की गई। विनिमय दरें निर्धारित होने के बाद सन 1971 तक कोई देश अपनी समता दर में निर्धारित दर की 1% की सीमा में कमी या वृद्धि नहीं होने देता था। ठीक है, जब तक आपके एसडीआर नहीं आए और एक और समझौता आगे आया, उस समझौते के बहुत इंपॉर्टेंस थे और उस समझौते के बाद उन्होंने क्या हुआ, कोई भी एक्सचेंज रेट में ज्यादा अधिक परिवर्तन करने कर नहीं सकता था। तो विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में प्रतिबंध लोच था, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल था, जैसे अगर स्टेबल जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जा सकता जाता था उससे आप एक्सचेंज रेट को परिवर्तित नहीं कर सकते थे। ठीक है, प्रतिबंधित लोच की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, किसी भी सदस्य देश को उसकी प्रारंभिक समता दर जो पर वैल्यू में कोई भी बिना स्वीकृत के, ठीक है, सूचित करते हुए 10% तक के परिवर्तन की अनुमति दी गई। तो आईएमएफ ने प्रारंभ में, ठीक है, 10% तक के परिवर्तन को एक्सेप्ट किया कि अगर आप एक्सचेंज रेट को चाहो तो 10% तक का परिवर्तन स्वीकार है और 10% तक का डिप्रिसिएशन आपको एक्सेप्टेबल है। इसके आगे 10% से 30% तक के परिवर्तन के लिए मुद्रा कोष से पूर्व स्वीकृत लेने की व्यवस्था की गई। तो आईएमएफ फिर बाद में क्या, जैसे आप चाहते हो कि 10% से ज्यादा मैं अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर सकूं ताकि मैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा सकूं, तो इसलिए 10% से अधिक के लिए अगर आप डिवेल्युएशन की बात करते हैं तो उससे आपको आईएमएफ से परमिशन लेना पड़ेगा। प्रावधान यह किया गया, यह व्यवस्था की गई कि 20% से अधिक परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2/3 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार देखिए, एक्सचेंज रेट पर जो वर्ल्ड के लोगों ने डिवेल्युएशन थ्योरी को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया, डेप्रिसिएशन की थ्योरी को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया, कहे के लिए ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को डिक्लाइन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवर करने के लिए, उसको वास्तव में आईएमएफ ने प्रतिबंधित किया और एक 10% की लिमिट बनाई कि 10% तक आप डिवेल्युएशन या ओवर वैल्युएशन कर सकते हो, लेकिन अगर 10% से ज्यादा आपको करना तो आईएमएफ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बात वहां पर कही गई। ठीक है, 19 दिसंबर 1971 को स्मिथसोनियन समझौता हुआ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको नोट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। स्मिथसोनियन समझौता के अनुसार एक्सचेंज रेट की उच्चा वचन सीमा में वृद्धि करके इस समय 22% कर दिया गया कि 22% तक की आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है और 22% तक का एक्सचेंज रेट चेंजेबल है, एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मिथसोनियन समझौता जो कि डॉलर क्राइसिस के निवारण के संबंध में हुआ था, उसके पहलू निम्नलिखित है। हाँ, डॉलर का अवमूल्यन, स्वर्ण मूल्य $35 औंस के स्थान पर $38 औंस किया गया, अन्य शब्दों में डॉलर का 7.9% अवमूल्यन हो गया। ठीक है, विनिमय दर के उतार चढ़ाव की सीमा विदेशी मुद्रा के मूल्य में 1% तक की उच्च वचन को बढ़ा करके देखिए 2.65% कर दिया गया। तो इस प्रकार स्मिथसोनियन समझौता काफी ज्यादा आपको जो मॉनेटरी एक्सचेंज रेट था, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पर क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी को लाया। तो स्मिथसोनियन समझौता के बावजूद विनिमय दरों में स्थायित्व ना हो सका।
ठीक है, जो आपका स्मिथसोनियन समझौता था, इसने कहा था कि आप, इन्होंने लोचपूर्ण तो बताया, लोचपूर्ण इन्होंने किया, लेकिन फिर भी जो एक्सचेंज रेट्स, जो आपका स्थायित्व की बात की जा रही थी, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को प्रमोट करने की बात की जा रही थी, वो ट्रेड प्रॉपरली नहीं हो सका। जब वो ट्रेड प्रॉपरली नहीं हो सका तो इन दशाओं में स्वतंत्र दरों को, फ्लोटिंग रेट को नीति अपनाई गई। तो पहले आपने देखा होगा स्थिर विनिमय दर प्रणाली चलती थी, अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के बाद फ्लोटिंग यानी आपके पास परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली चल रही है। और आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में डे बाय डे देखते होंगे कि एक्सचेंज रेट डेली परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार परिवर्तनशील एक्सचेंज रेट को एक्सेप्ट किया गया, जो कि पहले स्थिर विनिमय दर को का कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक है, विकासशील देश द्वारा अपनी मुद्राओं को डॉलर, पौंड आदि के साथ संबंधित किया गया, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 1976 में, ठीक है, स्वतंत्र विनिमय दरों को स्वीकृति देने का निश्चय किया गया। स्वतंत्र का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित हो सके। तो ये पॉइंट आप याद नोट करना यहां पर हो जाता है कि 1976 के पूर्व जो आपके पास एक्सचेंज रेट चलती थी वो एक्सचेंज रेट आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी, लेकिन 1991 के बाद जो आपका एक्सचेंज रेट चालू किया गया वो वास्तव में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चालू किया गया। और आप देखते हो कि एक्सचेंज रेट में परिवर्तन डे बाय डे ऑटोमेटिक हो जाता है, और ये IMF इसकी मंजूरी भी प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए IMF, हाँ IMF जो क्या करता है, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। मुद्रा कोष सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था करता है। ये सहायता दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकारी सदस्य देशों को उनकी विशेष समस्याओं के संबंध में परामर्श देते हैं। और आपको जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन कभी कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF से एडवाइस लेता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो वहां पर IMF आपको एडवाइस करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो सदस्य देश है उनकी विशेष समस्याओं के संबंध में परामर्श देते, जैसे आपका नोटबंदी हुआ, ठीक है, इसमें भी इनका एडवाइस कहीं ना कहीं इंक्लूड हुआ बाद में जाकर के, जिससे सदस्यों को उचित मॉनेटरी एक्सचेंज और रेवेन्यू भुगतान संतुलन नीतियों के निर्माण में सहायता मिलती। तो IMF केवल और केवल मौद्रिक सहायता अंतरराष्ट्रीय लेवल पर न करके आपको तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है, ताकि अर्थव्यवस्था को आप बैलेंस कर सको, इकोनॉमी को प्रॉपर ग्रो कर सको। विशिष्ट ज्ञान रखने वाले उन विद्वानों की सेवाएं प्राप्त की जाती है जो कोष से बाहर होते हैं। ठीक, कभी कभी IMF के आप मेंबर नहीं हो, आप IMF के आप सदस्य नहीं हो, लेकिन एड एडवाइजर आप उनकी सेवाएं को ले सकते हो। ये विद्वान सदस्य देशों में जाते हैं, ठीक है, IMF क्या करता है, एक आपका कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, और वो एक्सपर्ट कमेटी आपके कंट्री में जाती है, आपकी कंट्री के क्राइसिस के कारणों को जानती है, और उन क्राइसिस के कारणों को जानने के बाद अपने IMF में एक रिपोर्ट लगाती है, और उसके बाद एनालिसिस किया जाता, और उस एनालिसिस के आधार पर आपको सजेशंस दिया जाता। तो IMF इस समय वर्ल्ड में बहुत अधिक एडवाइज का काम करता है, और साउथ अफ्रीका में कई ऐसे कंट्री है जहां पर मुद्रा स्फीति बहुत ज्यादा हो गई है, और इसके परिणाम स्वरूप उन कंट्रियों में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, और इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए ये एक्सपर्ट टीम्स जाती हैं, और एक्सपर्ट टीम्स जाने के बाद उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करती है, और IMF बाद में उन्हें सजेशन प्रदान करता है कि आप ऐसा करिए, तब आपकी इकोनॉमी संभल सकती है। ठीक है, कोष द्वारा 1975-76 में इस प्रकार के 134 विशेषज्ञों के 45 सदस्य देशों में भेजे गए थे, यानी 134 विशेषज्ञ को 45 सदस्य देशों को एडवाइस करने के लिए भेज चुके हैं। तकनीकी सहायता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दो भाग स्थापित किए हैं। दो भाग इनके कौन कौन से हैं? पहला है केंद्रीय बैंक सेवा विभाग, सेंट्रल बैंकिंग सर्विस डिपार्टमेंट, तथा कर संबंधी कार्य विभाग, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो ये दो डिपार्टमेंट है, जो ये दो डिपार्टमेंट किसी भी कंट्री के कहते हैं, आपका सेंट्रल बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व स्टार्ट आउट हो रही, तो उनको एडवाइज करने का काम करती है। अब हम देखते हैं
केंद्रीय सेवा विभाग की स्थापना 1962 में हुई, ठीक है, तथा 1964-65 में इसका संगठन सुदृढ़ कर दिया गया और कर विभाग की स्थापना 1954 में ही हो गई थी, ठीक है। अब आईएमएफ एक काम और करता, आईएमएफ क्या करता, जो आपके पास अल्पकालीन भुगतान अवशेष है उस असंतुलन को दूर करने के लिए आपको विदेशी मुद्रा की उपलब्धता कराता है, ठीक है। शॉर्ट रन जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट रन, दीर्घकाल की बात वो कभी नहीं करता है, ठीक है, दीर्घकाल की बात ना करके अल्पकालीन भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने तथा उसकी अवधि को कम करने का कार्य करता है कि आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ रही है उस क्राइसिस को ये समाप्त करने की बात करता है। इस संबंध में कोष द्वारा सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा बेची जाती है, बेची जाती है का मतलब होता है आपको उस विदेशी मुद्रा को लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा 1991 का क्राइसिस था जब भारत के पास विदेशी मुद्रा इतना कम हो गया था कि 1 वीक इंपोर्ट करने के लिए इनके पास नहीं था, तब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपने देश का गोल्ड आईएमएफ में रखा और बदले में विदेशी मुद्रा लेकर के आए और इस विदेशी मुद्रा के द्वारा अपनी इकोनॉमी को ऑपरेट करने का काम किया। तो इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा की बिक्री का वचन भी दिया जाता है। विदेशी मुद्रा के वचन का समय प्रायः 1 वर्ष होता है, जिससे पारस्परिक समझौते के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। हाँ, किसी सदस्य देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1 वर्ष में अपनी मुद्रा के बदले अपने अभ्यंश के 25% से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे आप क्या करते हो, आप आईएमएफ के मेंबर बनना चाहते हो तो आईएमएफ के मेंबर बनने के लिए आपको कोटा निर्धारित किया जाता है। आपको जितना कोटा होगा उसके आधार पर आपके मेंबरशिप होगी और मेंबरशिप के बाद आपका पावर होगा, ठीक है। और जितना आपका कोटा होगा, अभ्यंश का मतलब होता है यहीं पर कि कोटा, और अपने कोटे से आप 25% से अधिक विदेशी मुद्रा आप आईएमएफ से नहीं निकाल सकते हो। मुद्रा कोष द्वारा अस्थायी असाम्य को दूर करने हेतु ऋण दिया जाता है। जैसे आपकी इकोनॉमी में कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई अस्थायी समस्या आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लोन दिया जाता है। और ये ऋण लगभग 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए होते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो समस्या है उस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोष के भूतपूर्व प्रबंधक निर्देशक के शब्दों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आग बुझाने वाले इंजन की बात है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपके यहाँ माइनस में है तो एक प्रकार की इकोनॉमी में आग लग चुकी है, और उस आग को बुझाने के लिए आईएमएफ क्या करता है, पानी के रूप में आपको ऋण प्रदान करता है ताकि इस आग को आप बुझा सके, जिसे केवल संकटकालीन देश दशा में ही प्रयोग करना चाहिए। आपको ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती ज्यादा लोग क्या करते हैं, व्यापार कर लो, बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आए और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बार बार लोन लो। तो आईएमएफ साफ साफ मना करता है कि आप जानबूझ करके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस मत क्रिएट करो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आईएमएफ क्या करता है, जानबूझ करके बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट करने की बात कहता है, ठीक है। क्षतिपूरक वित्त संबंधी सहायता, कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैकल्टी, इसके अनुसार वे देश जो प्रमुख रूप से प्राथमिक वस्तुओं को उत्पादित व निर्यात करते हैं के लिए सामान्य से अधिक मात्रा में वित्त संबंधी सहायता की व्यवस्था की जाती। मतलब कि अगर इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा डिपेंड है तो वहां पर ज्यादा अधिक वित्तीय सहायता आईएमएफ प्रदान करता है, ठीक है। तेल सुविधा योजना, ऑयल फैसिलिटी स्कीम, इस योजना के अंतर्गत तेल भुगतान, देखिए तेल क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री में, तेल को हम इंपोर्ट करते हैं, बदले में हमको पेमेंट करना होता है, तो इसके लिए आईएमएफ अलग से योजना चलाता है। इस योजना के अंतर्गत तेल भुगतान आयातकर्ता को 1974 में ऋण दिए गए थे। तेल की कीमतों में बढ़ने से उसके संतुलन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने हेतु ऐसा किया गया था। इस योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था तेल निर्यातक तथा औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा की जाती है, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा स्केयर करेंसी, जब किसी देश की भुगतान संतुलन उस देश के निरंतर अनुकूल बने रहने पर उस देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब कोष के पास ऐसी मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो मुद्रा को संबंधित देश से उधार ले लेता। मान लीजिए भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और इम्पोर्ट कम हो जाए तो भारत के पास क्या हो जाएगा, अमेरिका डॉलर बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा कलेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, तो उस मुद्रा को आईएमएफ भारत से क्या कर लेगा, उधार ले सकता है।
या आप अपना कोटा बढ़वा लीजिए, ये कहेगा भारत से कि भारत आप चाहो तो अपना कोटा बढ़वा लो और आप अपना ज्यादा कोटा इसमें रख लो आईएमएफ में। तो इस प्रकार करके आईएमएफ जिस कंट्री में सरप्लस होता उस कंट्री से उस मुद्रा को लेने का प्रयास करता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसी है उसकी उपलब्धता बनी रहे। यदि संबंधित देश अपनी मुद्रा उधार नहीं देता तो कोष द्वारा स्वर्ण वर्तमान में एसडीआर जो पहले स्वर्ण था अब एसडीआर है को दे करके उस देश से मुद्रा को खरीदा जा सकता है। ठीक है, भारत कहते कि नहीं हम नहीं आपके साथ शेयर बढ़ाएंगे ज्यादा नहीं आपको मुद्रा देंगे, तो आईएमएफ क्या करेगा वहां पर अपनी अपने यहां से एसडीआर लाएगा या गोल्ड लाएगा और उसको दे करके आपसे उस मुद्रा को एक्सेस मुद्रा को खरीदने का प्रयास करेगा। ऐसा होने पर यदि उस मुद्रा की मांग पूर्ण नहीं होती तो मुद्रा कोष द्वारा ऐसी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई मुद्रा है जिसकी क्राइसिस लगातार चल रही है तो उस क्राइसिस को अगर आईएमएफ फुलफिल नहीं कर पाता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा उसकी डिमांड है और आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा की कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, विनिमय नियंत्रण में सलाह, विनिमय नियंत्रण में सलाह मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों को विनिमय नियंत्रण के संबंध में परामर्श दिया जाता है। हालांकि मुद्रा कोष विनिमय तथा विदेशी व्यापार से संबंधित प्रतिबंधों के विरोध में है। ठीक है, आईएमएफ कहीं कभी नहीं कहता कि आप कोई टैरिफ या प्रशुल्क लगाइए, कोई भी टैरिफ या प्रशुल्क लगाने की बात नहीं करता, परंतु वो ट्रांजिशनल पीरियड में सदस्य देशों को इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संपर्क, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क बनाए रखता है। इसके प्रतिनिधि इन संगठनों की वार्षिक सभाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जो इतने इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर जाते हैं, फलतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विश्व के आर्थिक परिवर्तनों की जानकारी रहती है। आपका है प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम, आईएमएफ क्या करता है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। 1951 से सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय भुगतान कैसे किया जाए, आर्थिक विकास, वित्त संबंधी व्यवस्था, समंक संग्रह, विश्लेषण से संबंधित प्रशिक्षण आदि शामिल है। इन प्रशिक्षण को सेंट्रल बैंक तथा सरकार के वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के लिए होती है। तो जो आरबीआई के आपके जो आरबीआई के मेंबर्स हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आईएमएफ उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इन सारी एक्टिविटी से क्या करता है जानकारी प्रदान करता है ताकि वो अपने देश में इंप्लीमेंट कर सके। आईएमएफ क्या करता है प्रकाशन का कार्य भी करता है। प्रकाशन का कार्य करने का मतलब होता है मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों में अपने प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। ठीक है, इसके अनेक प्रकाशन जैसे अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण इंटरनेशनल सर्वे, अंतरराष्ट्रीय विकास समक इंटरनेशनल डेवलपमेंट डेटा, भुगतान संतुलन वार्षिक, विनिमय नियंत्रण पर वार्षिक रिपोर्ट, व्यापार की दिशा आदि। ये प्रकाशन शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, सरकारी विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सांख्यिकी सुधार सेवा, ठीक है, सांख्यिकी सुधार सेवा के अंतर्गत ये आईएमएफ वर्ल्ड लेवल का जो डेटा होता है उस डेटा को भी आप तक पहुंचाता है। वो डेटा हो सकता है बुलेटिन डेटा हो सकता है, करेंसी एंड बैंकिंग से संबंधित डेटा हो सकता है, इंटरेस्ट रेट से संबंधित डेटा हो सकता है, प्राइस से संबंधित, फॉरेन ट्रेड से संबंधित, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित, नेशनल इनकम से संबंधित, आपके पास प्रोडक्शन आदि से संबंधित डेटा को क्या करता है उपलब्ध कराता है। ठीक है, ट्रस्ट या कोष, ये इसका जो कोष होता है तो मुद्रा जो आईएमएफ है जनवरी 1976 में न्यास विधि ट्रस्ट फंड के निर्माण का फैसला लिया गया और मुद्रा कोष 4 वर्ष की समय में 25 मिलियन औंस स्वर्ण बेचेगा। ठीक है, ताकि इनका कोष तेजी से बढ़े और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी विदेशी मुद्रा की उपलब्धता है उसको करा सके। स्वर्ण की बिक्री से प्राप्त लाभ से न्यास निधि का निर्माण होगा। इससे विकासशील देशों को 1/2% ब्याज की दर पर सहायता दी जाएगी। अगर डेवलपिंग कंट्री चाहे तो इनसे विदेशी मुद्रा ले सकते हैं और इस सहायता देने के लिए 60 देशों की जिसमें से भारत भी शामिल है एक सूची बनाई गई है और इस निधि से दिया गया ऋण 10 छमाही किस्तों में चुका होगा। अर्थात आपको 0.5% के ब्याज पर लोन मिलेगा और उस लोन से आप इस प्रकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे भारत के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके लिए इन्होंने इसका निर्माण किया है। हाँ, मुद्रा कोष से संबंध में अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा कोष अपने कार्यकाल के 30 वर्षों में वर्ल्ड मॉनेटरी बैलेंस की स्थापना करने में पर्याप्त सीमा तक सफल रहा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आंतरिक संगठन तथा बाहरी प्रभाव के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग कर स्थापित करने में काफी अधिक सफल रहा। विश्व के जितने भी कंट्री थे जहां पर मुद्रा की आवश्यकता थी और जहां पर मॉनेटरी क्राइसिस था, वहां पर IMF ने काफी ज्यादा सहायता और एडवाइस दिया और उन कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी प्रॉब्लम से उबारा। मुद्रा कोष द्वारा अपने प्रभाव के आधार पर अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र को यूरोपीय देशों की पुनर्निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान में प्रेरित किया। तो ऐसा नहीं कि IMF से केवल डेवलपिंग कंट्री को फायदा हुआ हो, इससे अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों को यूरोप के देशों की पुनर्निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान के संबंध में प्रेरित किया गया और उनको भी एडवाइस इसने प्रदान किया। मुद्रा कोष ने विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों, जो आपके पास प्रतिबंध होते हैं, क्या होते हैं, टैरिफ, ठीक है, आपके पास कोटा, ये सारे प्रतिबंध होते हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को कम करने तथा विदेशी भुगतान के बहुमुखी स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। अब 35 देशों की मुद्राएं स्वतंत्र रूप से अन्य मुद्राओं में परिवर्तनीय इस समय हैं। 35 देश की करेंसी को आप IMF से ले सकते हो। मुद्रा कोष अंतरराष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को उपलब्ध कराने के लिए सफल हुआ है। उसने अपने स्थायी प्रसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की है तथा विशेष आहरण अधिकार जिसको SDR कहते हैं की भी व्यवस्था किया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जो भी बैलेंस की समस्या है, तरलता की समस्या है, उसकी समस्या को सॉल्व किया जा सके। मौद्रिक संकट के समय मुद्रा कोष द्वारा तकनीकी परामर्श दिया जाता है, टेक्निकल एडवाइस दिया जाता है तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 1949 और 58 के मध्य 30 देशों ने अपनी अपनी मुद्राओं को अवमूल्यित किया था, डिवैल्यूएशन किया था। मुद्रा कोष ने इन मुद्रा के अवमूल्यन को व्यवस्थित करने में सफलता प्राप्त की। तो कोई भी कंट्री जब अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसको एक टेक्निकल तरीके से करेगा, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके फेवर में आएगा। उसमें IMF ने काफी अधिक योगदान या सहयोग प्रदान किया था। मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों की सहायता की गई, ठीक है, देखिएगा, डेवलपिंग कंट्री एंड पुअर कंट्री, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर हम कहें कि IMF ने तीन पार्ट में बांध डिवाइड किया है, पहला आपका है विकसित देश, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, दूसरा विकासशील देश और तीसरा पुअर कंट्री। तो इन्होंने IMF ने सबसे ज्यादा हेल्प किया विकसित विकासशील तथा पुअर कंट्री की, बहुत अधिक हेल्प किया। इन देशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती रही। विकासशील देशों की सहायता के लिए एक ट्रस्ट फंड भी बनाया गया और उस ट्रस्ट फंड का प्रयोग करने के लिए भी इनको प्रोत्साहित किया गया, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी समस्या को सॉल्व कर सके। मुद्रा कोष ने भुगतानों की सरल व्यवस्था करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि किया, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी समस्या थी इंटरनेशनल मुद्रा की क्राइसिस, और उस इंटरनेशनल मुद्रा की क्राइसिस को IMF ने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी कंट्री घाटे में चल रहे थे उनको बहुत अधिक व्यापार में सहायता मिली और विश्व व्यापार तेजी से बढ़ा और लगभग इस समय 16 गुना अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ चुका। मुद्रा कोष से भारत को समय समय पर तकनीकी परामर्श का लाभ हुआ, भारत भी बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवाइज लिया, ठीक। भारत ने कोष की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायता की और मुद्रा कोष के विशेषज्ञ समय समय पर भारत में आते रहे हैं और भारत को एडवाइज करते रहे हैं। हाँ, भारत के लिए कोष से 1974 में 642 मिलियन SDR ऋण स्वीकृत हो चुके। भारत द्वारा 1975 में तेल सुविधा के संबंध में 203 मिलियन SDR की सहायता प्राप्त की गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि IMF जैसी संस्था जिसका स्थापना भारत ने किया था, उसने भारत की बहुत अधिक हेल्प किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी मौद्रिक सहायता थी IMF ने प्रदान किया और भारत को कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी समस्याएं नहीं आ पाई। तो इस प्रकार आज के हम इस लेक्चर में ये देखे कि IMF क्या था। तो IMF इंटरनेशनल लेवल पर मॉनेटरी सपोर्ट करने वाली एक संस्था है, जैसे वर्ल्ड बैंक विश्व में
किसी भी प्रकार का सपोर्ट करने के लिए आगे आता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा से संबंधित क्राइसिस होती है उसको IMF देखता है, और मोनेट्रिक जो आपके पास एडवाइज है उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास का दायित्व IMF के पास है। तो ये आज का आपका रहा टॉपिक। अब आप अपने प्रश्न